बेरहम रेगिस्तान को काले बादलों ने अपने कब्जे में ले लिया है। मॉनसून आ चुका है। कल रात की तेज बारिश ने रेगिस्तान के गुरूर को खाक में मिला दिया है। रेगिस्तान के वासियों को इसी वक्त का इंतज़ार था। अब अगले कई हफ्तों तक ज़िंदगी थोड़ी आसान रहेगी। यहाँ मिलन होगा। और रेगिस्तान एक बार फिर से आबाद होगा। कल रात की तेज़ बारिश ने बाहर निकलने को मजबूर कर दिया है एक ऐसे जानदार को जिसको बारिश का इंतज़ार सबसे ज़्यादा होता है। तेज़ बारिश इसे मजबूर कर देती है ज़मीन से बाहर निकलने के लिए। बारिश इसकी पहचान है। ये हैं रेड वेलवेट माइट्स, जिनको ट्रू वेलवेट माइट्स, रेनबर्ग्स और बीर बहुटी के नाम से जाना जाता है। इनका ताल्लुक ट्रॉम्बिडाइडी फैमिली से होता है, जो कि एरेक्नीडा क्लास की फैमिली होती है। आठ टांगों वाले तकरीबन सभी कीड़े इसी क्लास में पाए जाते हैं। ट्रॉम्बिडाइडी रेड वेलवेट माइट्स की फैमिली है। दुनिया में इनकी तकरीबन 300 के करीब स्पीशीज मौजूद हैं और ये पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। दूसरे एरेक्नाइड्स की तरह इनकी भी आठ टांगे होती हैं। ये पैरासाइट्स होते हैं, जो कि दूसरे इंसेक्ट्स और एरेक्नाइड्स को होस्ट बनाकर उनका खून चूसते हैं। इनके माउथ पार्ट्स स्पेशलाइज्ड होते हैं खून चूसने के लिए। एडल्ट रेड वेलवेट माइट्स ज़्यादातर दूसरी स्पीशीज़ के अंडे खाना पसंद करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अपनी ही स्पीशीज़ के लार्वास और अंडों को भी खा जाते हैं। जबकि रेड वेलवेट माइट्स के लार्वास दूसरे जिंदा कीड़ों का खून चूसना पसंद करते हैं। ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती और ना ही इनको कभी बड़े जानवरों और परिंदों का खून चूसते हुए देखा गया है। ये हमेशा ग्रास हॉपर्स, बीटल्स, स्पाइडर्स, बटरफ्लाइज और चींटियों को होस्ट बनाकर उनका खून चूसना पसंद करती हैं। मॉनसून की बारिशों के साथ ही इनका ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो जाता है। ये साल में सिर्फ एक बार ब्रीड करती हैं। तेज़ बारिश के बाद ज़मीन के अंदर का दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से ये बाहर आना शुरू हो जाती हैं। एक नर ज़मीन के ऊपर या घास के ऊपर अपने स्पर्म्स को रख देता है, जिनको इस्तेमाल करते हुए एक मादा ज़मीन के नीचे 40,000 से 1,00,000 के करीब अंडे देती है, जिनमें से 1.5 से 2 महीनों के बाद लार्वाज निकलना शुरू हो जाते हैं। रेड वेलवेट माइट्स का लाइफ साइकिल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। अंडों से निकलने वाले बच्चों को प्री लार्वाज कहा जाता है और यही लार्वाज बहुत सारी मोल्टिंग से होते हुए निम्फ में तब्दील होते हैं और यही निम्फ गुजरते वक्त के साथ साथ मजीद निम्फ्स में तब्दील होते रहते हैं। निम्फ की पहली स्टेज को प्रोटो निम्फ कहा जाता है, दूसरी स्टेज को ड्यूटो निम्फ और तीसरी स्टेज को ट्राइटो निम्फ कहा जाता है और फिर जाकर ये निम्फ एडल्ट रेड वेलवेट माइट्स में तब्दील होते हैं। रेड वेलवेट माइट्स इंसानों के लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के तौर पे काम करती हैं। ये फॉरेस्ट, डेजर्ट और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर वाली जगहों पे रहना पसंद करती हैं। ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों का खून चूसकर उनका खात्मा करती हैं। इनके लाल रंग और गंदे टेस्ट की वजह से दूसरे शिकारी इनको खाना पसंद नहीं करते। इनको सबसे ज़्यादा ख़तरा इंसानों से है, क्योंकि हद से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन
इनका कुदरती माहौल तबाह कर रही है। मुख्तलिफ तरह की मेडिसन्स बनाने के लिए इनका शिकार किया जाता है। अपने कुदरती माहौल में रेड वेलवेट माइट्स 1.5 से 2 साल तक ज़िंदा रह सकती हैं।